प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। ये फ्लावर वास बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, उसके एक ऊपर वाले लेयर को इस तरीके से उसे निकाल देंगे। बहुत कार्डबोर्ड ऐसा होता है कि ये आराम से निकल जाता है और बहुत पे नहीं निकल पाता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर वाले परत को थोड़ा सा पानी देकर गीला कर देंगे तो वो क्या होगा, भीग जाएगा और ऊपर से अच्छे से निकल जाएगा। तो मेरे पास ये निकला हुआ पहले से पड़ा हुआ था, तो मैं इसे ही यूज़ करके बनाऊँगी। और फिर इसके दोनों किनारे को या आप ग्लू से, सेलो टेप से, स्टेपलर से उसे पिनअप कर देंगे या चिपका देंगे। उसके बाद जो हमारे पास जार होते हैं शीशे के, जैसे मेरे पास अभी है, फिर आपके पास ये भी हो सकता है, सॉस के बोतल हो सकते हैं, छोटे छोटे बड़े, जैसे एज यू जैसे आपके पास हो वैसा। और उसके बाद फिर हम इसे चिपका देंगे। चिपकाने के बाद मैं यहाँ पर दो फ्लावर वॉश बना रही हूँ, तो इसमें मैंने एक ये शीशा वाला जार रखा था और दूसरा ये सॉस का जार है। मेरे पास बहुत दिनों से पड़ा हुआ था तो मैंने इसे ही यूज़ किया। मैंने दो फ्लावर वॉश कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है थोड़ा डेकोरेट करने का, ऊपर के हिस्से या तो फिर आप नीचे या तो ऊपर की ओर, जैसा आपको अच्छा लगे। मेरे पास एक पुराना बचा हुआ साड़ी वाला लैस था, मतलब पहले से मेरे घर पर पड़े हुए थे, तो मैंने इसे ऊपर से स्टेपलर करके, या फिर आप चाहो तो ग्लू के हेल्प से आप इसे चिपका सकते हैं। हॉट ग्लू से आप कर सकते हैं नॉर्मली, बट वो नॉर्मल वाले ग्लू से नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू यूज़ करके स्टेपलर भी कर दिया। तो अब मेरा ये रेडी हो चुका है, दिख रहा है ना खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसे मैंने अपने टीवी यूनिट पर लगाया है, देखने में ये बहुत ही खूबसूरत, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है ये। तो कैसा लगा आपको ये सिंपल सा DIY? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करते हुए जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।